नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जिसे 200 से भी ज्यादा बार गिरफ्तार किया गया और उसे $20,000 का जुर्माना भी देना पड़ा। ये लड़की लंदन में बड़ी थी। इसका नाम टेली डिवाइन बताया गया है। 12 साल की उम्र में उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और एक फैक्ट्री में काम करना पड़ा क्योंकि उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब था। लेकिन फिर उसने एक फैसला लिया कि वो ऐसी ज़िंदगी तो नहीं बिता सकती, तो उसके बाद उसने सेक्स वर्कर बनने का फैसला लिया। घर में भी किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें सिर्फ पैसों की ज़रूरत थी। तो फिर वो निकल गई ग्लैमरस वेस्ट एंड की सड़कों पर और वहाँ से उसने इस करियर की शुरुआत की। 16 साल की उम्र में ही उसकी एक शख्स से मुलाकात होती है जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। इसका नाम जेम्स एडवर्ड है जो कि ऑस्ट्रेलिया इंपीरियल फोर्स में एक सैनिक था। ये दोनों शादी कर लेते हैं लेकिन शादी के बावजूद भी ये महिला सेक्स वर्कर बनने का करियर अपना शुरू रखती है। दोनों शादी करते हैं, उसके बाद एक बेटे को जन्म देते हैं। फिर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस शख्स की पोस्टिंग थी तो इसे वापस ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ता है, तो ये लोग लंदन छोड़ देते हैं और ये महिला अपने बेटे को अपने परिवार के पास छोड़कर अपने पति के साथ ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। वहाँ पर भी इसने यही करियर अपना शुरू रखा। अब क्योंकि पति को भी पैसे की ज़रूरत थी तो उसने भी इस बिज़नेस में उस महिला का साथ दिया। वो उसका ड्राइवर बनकर भी जाता था। इसके अलावा कोकीन और ड्रग्स की सप्लाई भी उसका पति और लोगों के साथ करने लगा था। तो दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं कई आरोप लग चुके थे। इसका पति भी इन चीज़ों में उसका साथ दे रहा था। इसके बाद जब इसका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगा तब इसकी मुलाकात, इस महिला की मुलाकात एक और महिला से होती है। वो महिला शराब का बिज़नेस करती है और फिर ये दोनों दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि उस महिला का नाम कैट बताया गया है। वो एक और बिज़नेस खोलती है जिसमें सेक्स वर्कर वो मंगाती है। तो कहीं ना कहीं उसने भी एक वैश्यालय खोला जिसके बाद इस महिला का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगा। दोनों के बीच में इतनी राइवलरी हो गई थी, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे कि कई आदमियों को भी इस महिला ने मरवाया है, तो हत्या के भी आरोप इस महिला पर लगाए गए हैं। दूसरी जो महिला थी उसने भी इसके आदमियों को मरवाया है, तो उसके ऊपर भी कई ऐसे आरोप लगाए गए हैं। दोनों के बीच में दुश्मनी चलती है। लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है वो ये कि ऑस्ट्रेलिया में 6 बजे के बाद शराब बेचना उस वक्त पर बैन था। तो ये जो नई महिला है, जो दुश्मन है, कैट जिसका नाम है, वो 6 बजे के बाद शराब बेचने का धंधा शुरू करती है, जिससे ये फ़र्क पड़ता है कि इसका काफ़ी ज़्यादा इसके बिज़नेस में ग्रोथ होने लगी। ये काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने लगी, जिसके बाद डिवाइन को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, तो इसने कई और लोगों को मरवाया। इसके बिज़नेस में जो फैले हुए थे लोग उनको ऊपर हमला करवाया गया। इसके बाद जब इन दोनों की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो इस महिला की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले इसका पति इससे तलाक लेना चाहता है क्योंकि ये कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही थी जिससे इसके पति को शांति मिले, ना ही ये ऐसा कोई बिज़नेस छोड़ रही थी ताकि ये लोग हैप्पीली अपनी लाइफ जी सके, और वो शादी के बाद भी सेक्स वर्कर बनने का काम कर रही थी। इसके अलावा जब इस महिला की मौत होती है तो उससे पहले एक ये लेटर लिखती है। आसपास के जो लोग होते हैं वो इस महिला को काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताते हैं। पुलिस वालों ने भी इसे सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की सबसे खतरनाक और सबसे गिरी हुई महिला का टैग दिया था, जिसके बाद ये मरने से पहले एक लेटर लिखती है और उसमें लिखती है कि कुत्ते को बुरा नाम दो तो वो चिपक जाएगा, यानी कि अगर आप कुत्तों को बुरा कहेंगे तब भी वो आपके पास आता है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं जिनकी इसने मदद की थी उन्होंने इसको इतना गिरा हुआ कहा जिसके बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा इसे बुरा लगा इस चीज़ के बारे में सुनकर कि वहाँ के लोग जो इसे अपना दोस्त मानते थे उन्होंने भी इसके बारे में बुरा भला कहा। इसके बाद वो महिला लिखती है कि ऐसे कई और लोग हैं जो सिडनी में मौजूद हैं जो इसे मरने के बाद भी याद करेंगे। तो ये थी इस महिला की कहानी कि कैसे इसने शुरुआत की स्कूल से, लेकिन फिर एक ब्रॉथल खोला और उसके बाद इसने शादी की, इसके बाद ऐसे बिजनेस में आने लगी जहाँ पर इसके गिरावट आने लगी। 200 से बार ज़्यादा ये गिरफ्तार हुई। इसके अलावा 20,000 का जुर्माना इसे देना पड़ा, जहाँ पर इसके पास सिर्फ एक संपत्ति बचती है, उसके अलावा सारी संपत्ति बेच देती है। एक वक्त पर ये महिला सबसे अमीर महिला थी सिडनी की, लेकिन फिर ये कंगाल हो जाती है। अगर ऐसा कोई नाम आप जानते हैं, ऐसी महिला को आप जानते हैं, माफिया क्वीन को आप जानते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।